हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग विद योरसेल्फ। दोस्तों, जल्दी ही नवरात्रि फेस्टिवल आने वाला है और दांडिया डांस में हम कलरफुल ज्वेलरी ना पहने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ टू नवरात्रि स्पेशल ज्वेलरी, जिसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फर्स्ट ज्वेलरी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लीजिए, फिर मीडियम साइज की प्लेट को इस तरह से रखकर बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए। अब छोटी प्लेट लेकर उसे इस तरह से रख दीजिए कि चोकर की डिज़ाइन तैयार हो जाए। अब इसकी बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए और ये चोकर की डिज़ाइन रेडी हो गई। अब कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से चोकर की डिज़ाइन को इस तरह से कट कर लीजिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पे मैं रेड कलर की ऊन को रैप करने वाली हूँ, बट इससे पहले चोकर को रेड कलर से कलर कर दीजिए क्योंकि कार्डबोर्ड का कलर ना दिखाई दे। अब इस चोकर पे रेड कलर की ऊन को इस तरह से रैप करते जाइए जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और पूरा कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। पीछे की तरफ इस तरह से गांठ मार दीजिए। नेक्स्ट मैक्रम के बीड्स को लीजिए। अब रेड को कॉन्ट्रास्ट येलो कलर की ऊन सुई में इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए और बीड्स को इस तरह से रैप कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इस तरह से पूरे बीड्स को ऊन से रैप कर लीजिए और यहाँ पे गांठ मार दीजिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से येलो और रेड बीड्स को तैयार कर लीजिए। अब चोकर पे मैंने येलो और रेड बीड्स को वन बाय वन रख के अरेंज किया है। आप यहाँ पे टू येलो टू रेड बीड्स को रख के भी अरेंज कर सकते हैं। अब एक बीड्स और सुई धागा लीजिए, सुई को बीड्स में इंसर्ट कर लीजिए और चोकर पे इस तरह से फिक्स कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब पीछे की साइड गांठ मार के सिक्योर कर लीजिए। मैंने यहाँ पे टू बीड्स को चोकर पे फिक्स कर लिया है। इसी तरह से पूरा चोकर कवर कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इयररिंग्स के लिए 2 सेंटीमीटर के 2 सर्कल कट कर लीजिए। अब इसे भी रेड कलर से पेंट कर दीजिए। अब इस पे रेड कलर की ऊन को फेविकॉल की हेल्प से सर्कुलर शेप में स्टिक कर लीजिए। इसी तरह से पूरा सर्कल कवर कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नीचे की साइड में येलो कलर के बीड्स को फिक्स कर लीजिए। अब इस चोकर और इयररिंग्स पे सर्कुलर शेप के मिरर को फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर लीजिए। थोड़ा ड्राई होने के बाद येलो कलर की ऊन को फेविकॉल की हेल्प से मिरर के बॉर्डर की तरह स्टिक कर लीजिए। इसी तरह से सारे मिरर्स को भी बॉर्डर कर लीजिए। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब चोकर की बैकडोरी बनाने के लिए हमें रेड कलर की ऊन, येलो टैसल और येलो बीड चाहिए। अब रेड ऊन को सुई में इंसर्ट कर लीजिए और सुई को येलो बीड्स में इंसर्ट कर दीजिए। फिर सुई निकालकर उसकी जगह टैसल को बांध दीजिए। अब चोकर की बैकडोरी तैयार हो गई। इसे चोकर से अटैच कर लीजिए। अब हमारा चोकर तैयार हो गया। अब इस तरह से इयररिंग नट लीजिए और उसे इयररिंग्स पे पीछे की साइड स्टिक कर लीजिए। अब हो गई हमारी फर्स्ट ज्वेलरी कंप्लीट।
अब सेकंड ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लीजिए, फिर मीडियम साइज की प्लेट लेकर उसे इस तरह से रखकर बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए। अब छोटी प्लेट लेकर उसे इस तरह से रख दीजिए कि चोकर की पट्टी की डिज़ाइन तैयार हो जाए। अब इसकी बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए और ये चोकर की पट्टी की डिज़ाइन रेडी हो गई। अब कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से इसे कट कर लीजिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे 9 कार्डबोर्ड स्क्वायर्स कट कर लीजिए जो 3 सेंटीमीटर हाइट और 3 सेंटीमीटर लेंथ के हो। अब चोकर पट्टी और स्क्वायर्स को इस तरह के ब्लैक फैब्रिक से कवर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर लीजिए और फैब्रिक को इस तरह से कट कर दीजिए कि ईच साइड 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो और दूसरा फैब्रिक करेक्ट स्क्वायर के साइज का हो। अब स्क्वायर को फेविकॉल लगा दीजिए और फैब्रिक पे इस तरह से रख के प्रेस करके स्टिक कर दीजिए। नेक्स्ट फैब्रिक के कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब इस पे फेविकॉल लगा दीजिए और साइड के फैब्रिक को स्टिक कर लीजिए। अब इसके ऊपर ही दूसरा फैब्रिक स्टिक कर लीजिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसी तरह से चोकर पट्टी और सारे स्क्वायर्स को भी फैब्रिक से स्टिक कर लीजिए। नेक्स्ट एक स्क्वायर लीजिए और इस तरह की लेस लीजिए और उसे स्क्वायर पे इस तरह से स्टिक कर लीजिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब स्क्वायर मिरर्स लीजिए और उसे इस तरह से स्टिक कर लीजिए। थोड़ा ड्राई होने के बाद इस तरह की लेस को फेविकॉल की हेल्प से मिरर के बॉर्डर की तरह स्टिक कर लीजिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसी प्रोसेस से सारे स्क्वायर्स को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट चोकर की पट्टी लीजिए और 7 स्क्वायर्स को इस तरह से अरेंज करके फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बैक डोरी बनाने की प्रोसेस मैंने फर्स्ट ज्वेलरी में आपसे शेयर की है, तो इस तरह से बैक डोरी बना लीजिए और उसे चोकर से फिक्स कर लीजिए और हो गया हमारा चोकर रेडी। अब इस तरह से इयररिंग्स नट्स को लीजिए और उसे इयररिंग्स के पीछे इस तरह से स्टिक कर लीजिए। अब हो गई हमारी सेकंड ज्वेलरी कंप्लीट। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो ताकि आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टार्टिंग विद योरसेल्फ।